एवरीवन, दिस इज मी साकिया हियर, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि पर्सन के दिल में क्या है जो कह नहीं पाते हैं आपसे, तो जान लेते हैं उनके मैसेजेस के साथ। स्टे ट्यून्ड और जस्ट बी माइंडफुल कि एक जनरल रीडिंग है, सो पिक व्हाटएवर रेजोनेट्स एंड डू योर बेस्ट। सो लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे करंट सिचुएशन में, चाहे इन टच हो आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में ये रीडिंग देख सकते हो। लेट्स फाइंड आउट। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, What do you see in me? आपका पर्सन आपसे पूछना चाहता है कि आपको उनमें क्या ऐसा दिखता है जिसकी वजह से आप उनके साथ हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, लेकिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती। आप खुद में इनसिक्योर भी हो सकते हो जिसकी वजह से आपको उनकी इनसिक्योरिटी नहीं दिखती है, लेकिन आपके पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप उनके साथ क्यों हो, आपको उनमें क्या ऐसा दिखता है जो कि आपको उनके साथ जोड़े रखा है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को शायद लगता है कि कहीं ना कहीं आपके हिडन एजेंडा हो सकते हैं, अगेन उनके पास फियर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा सोचते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपके पर्सन के मन में जरूर आता है जब वो सोचते हैं कि आप उनके साथ हो, या उनको लगता है कि आप इतने गुड लुकिंग हो लेकिन आप उनको फॉलो क्यों कर रहे हो, उनको चेस क्यों कर रहे हो, आप इतना अट्रैक्टिव हो तो ऐसा कैसे है कि आपकी जिंदगी में कोई और इंसान नहीं है। तो वो कन्फर्मेशन उनको नहीं मिल रही है, वो आंसर नहीं मिल रहा है उनको कि आपको उनके अंदर ऐसा क्या दिखता है जो कि आप उनके साथ हो। द नेक्स्ट कार्ड इज यू हैव ट्रिगर्ड मी। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपने उनको ट्रिगर किया है, चाहे यू नो इस सेंस में हो कि आप उनके पास्ट ट्रॉमास को ट्रिगर करते हो, चाहे इस सेंस में हो कि आपने उनसे उनकी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर किया है, बट डेफिनेटली आपने उनको ट्रिगर किया है। एंड अभी तक के दो कार्ड्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यू हैव ट्रिगर्ड देम इन अ नेगेटिव वे। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने पास्ट के कुछ डिसीजन ऐसे बनाए हैं जो कि गलत थे, और उनको लगता है कि वो अपने माइंड के साथ कोई डिसीजन बनाते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होता है, अपने माइंड को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। उनको लगता है कि वो एक आपके पर्सन काफ़ी वेल अचीव्ड हो सकते हैं। उनको लगता है कि उनके माइंड के लिए हुए डिसीजन हमेशा सही होते हैं लेकिन हार्ट के डिसीजन हमेशा ख़राब होते हैं, इसलिए उनके मन में जो फियर है वो आपने ट्रिगर किया है। उनको लगता है कि फिर से वो दिल दे बैठ रहे हैं आपको, और वो चीज़ उनको थोड़ा ओवररेट करती है, उनको इनसिक्योर करती है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपने माइंड को कैसे अपने इमोशंस के ऊपर हावी रखें, लेकिन आपके पर्सन डेफिनेटली ये सब आपसे छुपा रहे हैं, ये सब आपको नहीं बता रहे हैं राइट नाउ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।